नमस्कार दोस्तों, मैं बाला प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हम बाइक राइडिंग पे हैं और आपको पूरा दिखाएंगे वाराणसी से रिंग रोड तक, जो रोड थोड़ा रिंग का बन रहा है, कितना काम हुआ है और कितना तोड़ फोड़ हुआ है, सारा कुछ दिखाएंगे वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें और काफ़ी दिनों के बाद जो है कि आज वीडियो पे आ रहे हैं। तो जो दोस्तों जो भाई नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं बैक कैमरे पे। तो भाई इस समय हम देखिए कलेक्टिव फार्म के पास में है संजय मेमोरियल डिग्री कॉलेज। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी रोड चौड़ा हो चुका है और गिट्टी पत्थर भी इसमें पड़ चुके हैं। इधर छड़ दिवाली जो है कि बन रहा है। तो भाई ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है वाराणसी भदोही फोर लेन। ये देखिए इधर कलेक्टिव फार्म है, पूरा मैदान है, क्रिकेट का मैदान हो गया अभी। और इधर देखिए लगता पड़ता कितना चौड़ा हो गया, पूरा का पूरा एरिया साफ। अभी लेकर के चल रहे हैं, पैदल आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कृषि जय उर्वरक संस्थान, यानी कि यह कृषि संस्थान है। ये पूरा एरिया यहाँ पे बाउंड्री तोड़ दी गई है और पूरा का पूरा एरिया साफ है भाई। यहाँ तक देखो मैदान है, आगे पूरा कवर वीडियो करेंगे, थोड़ा लंबा ना हो इसलिए छोटा छोटा शॉर्ट में दिखा रहे हैं आपको। ये एरिया देखिए यहाँ पे मिट्टी डाला गया है, यहाँ पे पान और भी गलिया पड़ी हुई है। देखिए पूरा अतिक्रमण है, लेकिन एक दो दिन में ये भी अतिक्रमण आपको पूरा का पूरा मैदान दिखेगा, आपको दिखाएंगे। तो भाई ये देखिए लोहता का मार्केट है। और आपको बता दें भाई, इससे पहले कुछ मंदिर थी उसको तोड़ दिया गया या वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आपको दिखा दे रहे हैं कि रास्ते में एक मज़ार है, इसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये देखिए मजार है, इसको भी यहाँ ये देखिए मजार है दोस्तों। और ये भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसको भी तोड़ करके हटा दिया जाएगा किसी दूसरी नए जगह पे। ऐसे ही इस रास्ते में छोटे बड़ी बहुत सी मंदिरें हैं और इसमें से मुख्य दो तीन मंदिरें हैं, वो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी पता है, तो वो देखने की बात है कि उसको क्या किया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है कि क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया है और बताया भी है और नए आगे भी दिखाएंगे। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पे भोजपुरी मूवी के एक दो फिल्म की शूटिंग भी हुई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो लोहता मार्केट है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल वीरान हो चुका है, यानी कि चारों तरफ एकदम तोड़ फोड़, धूल ही धूल, पूरा देखिए पूरा मलबा गजा हुआ है। यहाँ पे प्राय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमेशा जाम ही रहता है। अक्सर यहाँ पे आपको जाम मिलेगा। आगे इसी मार्केट में सब्जी मंडी भी है छोटा सा, और फल फूल सब्जी लगभग सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ये जो देख रहे होंगे बिल्डिंग, ये काफ़ी ये पोल तक थी, खम्भे तक, इतना पीछे हो गया है। एक ये छोटे छोटे दुकानें जो है ठेले पे ये सब पे लगी हुई हैं। और आप देख रहे होंगे कितना भीड़ भाड़ एरिया है और यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा स्लो ही रहता है।
जब ये 4 लेन का हाईवे बन जाएगा तो फिर देखना है कि भाई ये ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, यानी कि लोहता मार्केट में कब एंट्री करेंगे और कब इस मार्केट को पार करके हम आगे बढ़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और इस रोड से भदोही का जो दूरी है वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, और यह आने वाले समय में 20 से 25 मिनट में ही भदोही टू वाराणसी को कवर कर लिया जाएगा। और यही रूट जो है दोस्तों स्टेडियम के पास में भी जाता है, जो राजा तलाव के पास में गंजारी गांव है वहाँ पे आप रिंग रोड के थ्रू चले जाएंगे, और यही रोड आपको भदोही होते हुए सूर्यामा और मछली शहर भी चली जाती है। तो ये पूरे वाराणसी शहर का एक लौता एक ऐसा यही सड़क बचा हुआ है जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ने के लिए अभी तक 2 लेन का ही है, यानी सिंगल लेन पे है, और बाकी जितने भी रोड है वो लगभग 4 लेन या 6 लेन हो चुके हैं अगर भदोही को छोड़ दिया जाए तो। देखिए काफ़ी कुछ बदल गया है, देखिए लोहता थाना है और रोड से काफ़ी नज़दीक में है, अभी यहाँ पे देखिए लोहता से सटा हुआ है, यानी कि जो थाना है उसके बगल में देखिए पूरा जितना खाली एरिया था उस पर लगभग बहुत तेज़ी से काम हो रहा है आपको बता दें, और यह कार्य लगभग 75 से 80% तक हो भी चुका है, इसमें मात्र 20 से 25% ही कार्य बचा है, और उसमें भी जो रोड की डिजाइनिंग है यानी कि जो भी सुंदरीकरण का काम होगा पेंटिंग का काम होगा वहीं उसमें बाकी रह जाएगा, नहीं तो बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पे गिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं और आगे जो रोड है वो दोनों तरफ बन चुके हैं, जगह जगह जोड़ने के लिए बचा हुआ है, और ये भी काम जल्द से जल्द इसको भी पूरा कर लेना है, यानी कि 2024 तक ये रोड कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2024 तो बहुत ज़्यादा हमने बता दिया, यानी कि चुनाव है और 2-3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों। अभी इसका हम पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते हैं कब तक ये तैयार हो जाएगा, लेकिन जो भी काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे दाहिनी तरफ देखिए इस पर ये रोड बन चुका है, और इस पर देखिए इधर भी बन गया है, इस पर पानी से जो है कि इसकी छिड़काव किया जा रहा है कि जिससे रोड अच्छे से पक जाए और ये ख़राब ना हो, और ये एक लाइन ये देखिए चालू हो गया है और ये रोड बन चुका है। तो ऐसे ही लगभग यहाँ से स्टार्ट है तो ये पूरा आपको रिंग रोड तक, यानी कि रिंग रोड जो फेज 2 है वहाँ तक ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे एरिया कुछ जो है कि उसको जहाँ पे नाला पुलिया इस तरह की जगह है वहाँ पे ही बचा हुआ काम है, और बीच में ये देख रहे होंगे इसमें पौधे लगाए जाएंगे सुंदर सुंदर। ये देखिए सिटकवा बाबा का मंदिर है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और इसी मंदिर की हम बात कर रहे थे, तो ये बिल्कुल रोड के बीच में आ रहा है, तो ये भी आप उस तरफ देखेंगे तो पुलिया बना हुआ है और रोड भी मंदिर से सटा हुआ है, तो इस मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी फिर देखिए इधर रोड बना हुआ है, इसमें बीच में मिट्टी भी डाल दिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट है और करौता मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा सा एरिया छूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए पौधे लगाए जा चुके हैं, यहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं और छोटे छोटे जो है कि सुंदरीकरण का काम किया गया है। ये अकेलवा मार्केट है दोस्तों, अकेलवा पेट्रोल पंप है इस साइड में, देखिए यहाँ पे रोड नहीं बना है, यहाँ पे 1 वे से दूसरी साइड भी चला हुआ है, यानी कि आगे इस पर वर्क हो रहा है, तो जहाँ जहाँ पे वर्क हो रहा है वहाँ पे डायरेक्शन यानी कि चेंज कर दिया गया दूसरी साइड पे, और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए पोल भी लगाया गया है, और ये त्रिशूल के साइड का है, यानी कि शिव जी के त्रिशूल और डमरू के आकार में यहाँ पे
लगाया गया है। तो बताएं दोस्तों आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, कमेंट सेशन में ज़रूर लिख करके दीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।